वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ किक 2। टुडे द सोशल मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी, जहां पर एनजीई यानी कि नडियाड वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने एक बहुत बड़ी यहां पर प्रेस रिलीज जो है रिलीज की, एक क्लैरिफिकेशन ऑफ सॉर्ट्स जो है वो रिलीज करके यहां पर सबको चौंका दिया। यूजुअली ऐसी खबरें आती है तो गाइस उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ प्रोडक्शन हाउसेज है, कुछ एक्टर्स हैं इनफैक्ट जो ऐसी न्यूज और ऐसी आर्टिकल जब आते हैं तब वो उनका फर्ज मानते हैं। इनफैक्ट काफी अच्छी बात है। ज्यादातर जो रूमर्स रहते हैं वो एक बड़ा रूप लेते हैं, फिर बाद में वो नहीं होता तो फिर ब्लेम डाला जाता है प्रोडक्शन हाउस पे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इट्स बेटर टू कम आउट इन द ओपन एंड क्लैरिफाई। हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है काम करने का, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट किक 2। लेकिन उससे पहले द ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन आउट ऑफ 10 पीपल मीटिंग सलमान खान राइट नाउ, 9 विल आस्क दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट 9.999 पीपल विल आस्क हिम, What is your next film? When are you announcing your next film? यानी कि 10 लोग मिलते हैं सलमान खान से, उसमें से 9.9999 लोग सलमान खान से यही सवाल पूछेंगे कि ईद 2024 में आप कौन सी फिल्म कर रहे हो। क्योंकि गाइस आफ्टर किसी का भाई किसी की जान, देयर हैव बीन स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, स्ट्रॉन्ग इन कैपिटल लेटर्स लाइक STRONG इन कैपिटल रेड बोल्ड लेटर्स कि वॉट सलमान खान शुड डू नेक्स्ट। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल ऑडियंसेस नहीं बल्कि सलमान खान के फैंस भी है, वो चाहते हैं कि सलमान खान अपने प्रोडक्शन हाउस यानी कि सलमान खान फिल्म से दूरी कर कोई दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करे जहां पर उनको उतना फ्रीडम नहीं हो कि वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी मुताबिक काम कर सके। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिस तरह से यशराज फिल्म्स क्रिएट करता है जब वो टाइगर सीरीज की फिल्में करते हैं, इस तरह की डिमांड है सिर्फ और सिर्फ फैंस की नहीं बल्कि न्यूट्रल ऑडियंसेस की। न्यूट्रल ऑडियंसेस चाहते हैं कि हमें वो सलमान खान लौटा दे जो एक जमाने में टाइगर जिंदा है, यू नो सुल्तान, बजरंगी भाईजान, उस दौर का, चाहे वो दबंग हो, रेडी हो, बॉडीगार्ड हो, किक हो, उस दौर का सलमान खान हमें वापस कर दीजिए, ना ही कि किसी का भाई किसी की जान वाला सलमान खान। न्यूट्रल ऑडियंसेस डिमांड सलमान खान टू डू अ फिल्म विथ अ प्रॉपर स्क्रिप्ट, अ गुड स्टोरी लाइन एंड अ बिग प्रोडक्शन वैल्यू। देखिए गाइस, बोलने के लिए सारी चीजें मैं पिछले 2-3 सालों से बोलता आ रहा हूं, लेकिन एवरीथिंग फॉल्स ऑन टू डेफ ईयर्स। एंड आज जिस प्रोडक्शन हाउस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, एनजीई, इन लोगों ने ये जो फिल्म बनी है किसी का भाई किसी की जान, जिसका नाम पहले था कभी कभी दिवाली, इसको बनाने से भी मना कर दिया था। जब इस फिल्म का नाम कभी कभी दिवाली था, जस्ट आफ्टर बच्चन पांडे वॉज अ डिजास्टर द बॉक्स ऑफिस, एंड उसके बाद एनजीए डिसाइड किया कि अब फरहाद सामजी के साथ ये फिल्म हम भाई के साथ नहीं बनाएंगे। उसके बाद सलमान खान टुक मैटर इनटू हिज हैंड्स, एंड अब जो आया है किसी का भाई किसी की जान, ये सब उस प्रोसीजर का नतीजा है। तो ये गाइस, अब सलमान खान E2024 में जो भी फिल्म साइन कर रहे हैं पूरे विश्व भर की निगाहें उस पर होगी, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। तो उम्मीद करते हैं कि जो फिल्म सलमान खान साइन करे, क्योंकि अब तक राइट नाउ व्हाट्स द डेट, 26 अप्रैल, सलमान खान हैज नॉट साइंड द फिल्म। ही हैज अ फिल्म इन माइंड, ही हैज टू डू दैट फिल्म, बट इट्स नॉट एट ऑल ऑफिशियल ऑन द पेपर। एंड गाइस, मेरी विनंती यही होगी सलमान खान से कि इट्स टाइम ही टेक्स अप नोटिस। उस तरह से नहीं कि यहां पर कोई कुछ कह रहा है आप कुछ और कर रहे हो। यस, योर सुपर स्टारडम हैज बीन विटनेस्ड, आपने हमको दिखा दिया है सैटरडे संडे कि आपकी फिल्म क्या कर सकती है सिर्फ और सिर्फ आपके स्टारडम पर। लोगों की विनंती यही है कि क्यों ना अपने स्टारडम को एक अच्छे स्क्रिप्ट, एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छी स्टोरी के साथ आप बड़े पर्दे पर लाइए। बस यही है, कोई ये नहीं कह रहा कि सलमान खान को अपना मैनरिज्म चेंज कर ले, जिस तरह का लार्जर देन लाइफ इमेज है उस तरह का छोड़ के कोई नहीं कह रहा। बस लोग चाहते हैं कि वो सलमान खान जिसने 2010 से 2020 का जो डेकेड है उसको रूल किया, उस पर राज किया, उस तरह का सलमान खान वापस आ जाए। ये कोई यहाँ पर कोई ओपन लेटर या कुछ नहीं है, ये विनंती है, लोगों की आवाज़ है जो आई थिंक सलमान खान तक पहुँचे तो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ फैंस की दर्द है, उनकी पीड़ा है, जो आप तक पहुँचे तो बहुत ही बेहतर होगा। ये गाइज यहाँ पर 2024 का यही हाल है। लेकिन आज क्या हुआ है ये आप सभी लोगों को बता देता हूँ। गाइज, ये बहुत ही छोटा मैटर था ये,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो कर दिया गया। असीम रियाज बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट थे, इनफैक्ट रनर अप थे, कि अब कभी कभी दिवाली जब बन रही थी तभी भी इनका नाम जो है चार भाइयों के लिस्ट में जो था नंबर वन पे था। मीडिया में हर रोज था कि असीम रियाज, आयुष शर्मा, सूरज पंचोली, जहीर इकबाल, ये सारे के सारे लोग भाई बनने वाले हैं फिल्म में। असीम रियाज भाई बन चुका, असीम रियाज को साइन कर दिया है। उस समय भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि असीम रियाज इस फिल्म में नहीं है, इसमें नहीं है। सडनली आउट ऑफ द ब्लू खबर आ गई, असीम रियाज को किक टू के लिए साइन कर लिया है। बिग बॉस 13 फेम असीम रियाज इन सलमान खान स्टारर किक टू, असीम रियाज टू प्ले अ पिवोटल रोल इन सलमान खान किक टू, असीम रियाज इन किक टू, ऐसा न्यूज फायर की तरह फैला। हम सभी लोगों को पता है किक टू का ठिकाना ही नहीं है, तो असीम रियाज को कहाँ से साइन करेंगे? सलमान खान पहले होगा ना? हाँ, असीम रियाज को तो बाद में नंबर आएगा, तो पहले फिल्म तो यहाँ से निकले करके। इस पे गाइस नडियाड वाला ग्रैंड स्लैम एंटरटेनमेंट ओके बहुत ही टू द पॉइंट रहता है। यस टू यस, नो टू नो, उन्होंने कहा है वी आर वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट फॉर किक टू। तो किक टू की ऐसी स्क्रिप्ट है जो ब्रह्मास्त्र के बाद पिछले 8-9 साल से स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। आयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र जो है 8-9 साल में बनाई थी, किक टू की स्क्रिप्ट को खाली 8-9 साल लग रहा है। ये एक शो आता था इसका नाम था फेस पाम, तो उसमें रवि किशन को पूछा था व्हाट इज देयर इन योर वार्डरोब। रवि किशन ने कहा था वेल यू नो वार्डरोब इज अ नाइस हेयर स्टाइल, नाइस जेल, उसमें वो एंकर देख के क्या किया था पता, फेस पाम मोमेंट। तो ये यहाँ पर ये जो स्क्रिप्टिंग चल रही है 8-9 साल से, तो सुन के आई हैव गिवन अप इन मेंटली, इन माय हेड आई हैव गिवन अप ऑन दिस फिल्म। ओके, एंड दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यानी कि असीम रियाज इस फिल्म में, ये खबर गलत है। हम रिक्वेस्ट करते हैं इतने मीडिया हाउस से कि हमसे क्लैरिफाई कर लीजिए ये न्यूज प्रिंट करने से पहले। गाइस ये सब चीज होते रहती है यहाँ पर। एंड तो दो फिल्में जो थी, एक तो विष्णुवर्धन की फिल्म करण जौहर के साथ धर्म प्रोडक्शंस वाली, ओके, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, अलॉन्ग विथ किक टू। तो किक टू कट हो जाती है, किक टू नहीं बन रही है अभी यहाँ पर। अब बच जाती है धर्म प्रोडक्शंस की फिल्म विथ विष्णुवर्धन। सभी चाहते हैं सलमान खान धर्म प्रोडक्शंस के साथ काम करे। विष्णुवर्धन एक काबिल डायरेक्टर है, उनकी पिछली फिल्म शेरशाह एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी। हम चाहते हैं कि सलमान खान जरा एसकेएफ से बाहर निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है एक और प्रोडक्शन हाउस जिसमें पूरी दुनिया चाहती है कि आप उनके साथ काम करें। यस, आप टेक प्रॉफिट शेयरिंग, टेक योर साइनिंग अमाउंट अप राइट, लेकिन वर्क विद पीपल वेर यू गेट अनदर एनवायरमेंट, यू नो यू गेट टू लिसन टू ऑर्गेनिक फीडबैक विच हेल्प्स यू नो इन मेकिंग अ डिसीजन वेयर दैट डिसीजन इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल पीपल। एक ऐसी जगह, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ पे लोग आपको एक ऐसा फीडबैक मिले जो आपके लिए फायदेमंद हो। यस मैन जो रहते हैं यू नो उनका फीडबैक से अच्छा इनका फीडबैक होगा। देखो गाइस, वी ऑल नो योर माय ओपिनियन डज नॉट मैटर, द ऑडियंस ओपिनियन डज नॉट मैटर। सलमान खान विल डू व्हाट ही फील्स लाइक डूइंग, आई डोंट नो मैन, बट दिस टाइम E2024 उम्मीद है कि कुछ अच्छा आए सलमान खान की तरफ से। अब सब कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, जैसे होगा खबरें मीडिया में आ जाएगी। ओके गाइस, आपका क्या कहना है? तो कमेंट सेक्शन इज योर। सिर्फ सलमान खान के फैंस ही नहीं, न्यूट्रल ऑडियंसेस भी जो है उसके बारे में बता सकते हैं। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।